पास्ट में हुई गलतियों को कभी साथ लेकर मत चलना, क्योंकि इस बोझ के साथ तुम ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाओगे। मुश्किलें सबके साथ आती हैं, तुम्हें मुश्किलों से भागना है या डटकर लड़ाई करना है, फैसला तेरे हाथ में है। क्योंकि आज की दुनिया में आगे वही बढ़ता है जो चुनौतियों का सामना करता है। आज जितने भी तू सक्सेसफुल लोग देखता है, इनके जीवन में भी कभी ना कभी चुनौतियाँ आई हैं। अपने आप को ऐसा बना कि लोग तुझे और तेरी आवाज़ को अपने स्टेटस लगाने पर मजबूर हो जाए। और हाँ, सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो तुझे सोने नहीं देते, जो उठने पे मजबूर कर देते हैं, वो होते हैं सपने। विवेकानंद जी ने कहा है, दुनिया में तीन तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो अपने आप को जमाने के हिसाब से नहीं बदलते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। दूसरे वो जो अपने आप को जमाने के हिसाब से बदलते हैं और उसी तरीके जीते रहते हैं। तीसरे वो जो जमाने को अपने हिसाब से बदलते हैं, जीने का तरीका अपने हिसाब से बदलते हैं, और उन्हीं को युग पुरुष कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, दुनिया में 96% लोग ऐसे हैं जो अपना पैशन फॉलो नहीं करते, और वही लोग सिर्फ 4% लोगों के लिए काम करते हैं। क्योंकि बिल गेट्स ने कहा है, अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, और गरीब ही मर जाते हो तो ये बिल्कुल तुम्हारी गलती है। वो कहते हैं ना, सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा है असफलताओं से कुछ अच्छा सीख लेना। क्योंकि भीड़ हमेशा उन रास्ते पर चलती है जो आसान लगती है, ज़रूरी नहीं कि वो रास्ता सही हो। कामयाब लोगों की सफलता सबने देखी है, लेकिन उन्होंने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता, और ना ये कोई जानना चाहता। याद रखना ज़िंदगी में हमेशा, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं रहता। क्योंकि बारिश की एक बूंद पत्थर का कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वही बारिश की एक एक बूंद पत्थर पे गिरती है तो पत्थर को ज़रूर तोड़ देती है एक दिन। तो ये मत सोचो आज ये छोटा है, आज मैं ये कर नहीं पाऊँगा, ये काम अच्छा नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ये छोड़ दो। क्योंकि वही लोग जो आज कुछ कह रहे हैं, कल वो कुछ और कहेंगे। वो कहेंगे, मुझे पता है तू कर सकता था, तू कर ले गया। वो कहते हैं ना, कई बार मेहनत तो और लगन के बावजूद भी सपने अधूरे रह जाते हैं, वो पागलपन ही है जो उसे पूरा करता है। क्या बनना चाहते हो, विनर्स या लूजर्स? क्योंकि विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते, और जो लूजर्स होते हैं वो हमेशा बहाने बनाते हैं, जो कि कभी विनर्स नहीं बनते। किसी किताब में लिखा था, नशा मेहनत का कीजिए जनाब, बीमारी आई भी तो सक्सेस की आएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं हूँ शुभम, एंड टर्निंग ऑफ फॉर द डे।